नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। टिकटॉक ऐप एक ऐसा पॉपुलर ऐप है जिसमें कई लोग वीडियो बनाकर फेमस होने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे तो टिकटॉक इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि आजकल हर कोई फेमस होने की चाहत में इस पर अपना वीडियो बनाता है और शायद आपने भी बनाया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका टिकटॉक पर वीडियो बनाना मुसीबत का सबब भी बन चुका है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही गुजरात की एक महिला पुलिसकर्मी का टिकटॉक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो ड्यूटी के वक्त सलमान खान की फिल्म के गाने पर डांस करती नजर आ रही थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। जी हाँ, गुजरात में टिकटॉक का बुखार अभी तक उतरा भी नहीं था कि अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली की दो महिला पुलिस कांस्टेबल एक हरियाणवी गाने पर डांस और एक्टिंग करती नजर आ रही हैं। लेकिन इस वीडियो को तब शूट किया गया जब वो दोनों ड्यूटी पर थी। जी हाँ, आप भी देखिए इस वीडियो को कि कैसे दोनों महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के वक्त टिकटॉक पर अपना वीडियो बना रही थी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने टिकटॉक ऐप से अपनी प्रोफाइल हटा दी है, साथ ही टिकटॉक से अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। वैसे ये वीडियो हरियाणा के मशहूर सिंगर अजय हुड्डा के गाने बटुआ सा मुंह लेरी पतली कमर पर बनाई गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जहां ये वीडियो शूट किया गया है वहां दिल्ली पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, जहां ये दोनों महिला पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात थी। लेकिन अभी तक इस मामले की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वैसे ये देखा गया है कि लोगों में टिकटॉक बनाने का क्रेज इतना बढ़ गया है कि चाहे बच्चे हों, टीनेजर्स हों या कोई एडल्ट, सभी टिकटॉक पर एक्टर, सिंगर और डांसर बनना चाहते हैं। हालांकि टिकटॉक एक बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका मिसयूज़ करते हैं, जिसके बाद टिकटॉक को ऐसे यूजर्स को बैन करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले फेमस टिकटॉकर फैजू ने झारखंड में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए तबरेज अंसारी पर एक उकसाने वाला टिकटॉक वीडियो बनाया था, जिसे लेकर फैजू ने माफी भी मांगी और वीडियो को डिलीट भी कर दिया। साथ ही उनके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया गया था, जिसके बाद एक्टर एजाज खान ने भी इस टिकटॉक वीडियो का सपोर्ट करते हुए वीडियो बनाया था, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसे में टिकटॉक पर वीडियो बनाना लोगों का शौक तो है, लेकिन इससे आप फंस भी सकते हैं। तो आपके लिए सलाह भी है कि जब भी आप कोई वीडियो बनाएं तो सोच समझकर उसका चयन कर लें, वरना आप भी किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।